पोको का हिस्ट्री चेक करोगे बहुत सारे मदरबोर्ड इशू है। खैर आज हमारे पास है पोको M6 Pro 5G 4GB 128GB 11,000 रुपीस और 6GB 128GB 13,000 रुपीस में लॉन्च हुआ है। पिछले 5 दिनों से इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ साथ डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा ये फोन आप लोगों को परचेस करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले चलो अनबॉक्सिंग देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले फोन मिलता है जिसको मैं बहुत पहले बाहर निकाल लिया था। एक सिम इजेक्टर पिन दिया गया है, कुछ यूजर मैनुअल गाइड है और एक टीप्यू केस मिलता है। इसका क्वालिटी एवरेज है। 22.5 वाट का एक चार्जिंग एडाप्टर है और टाइप सी केबल है। पोको के हर एक फोन में सेम डिजाइन दिया जाता है तो इस फोन में भी कुछ वैसे ही डिजाइन है। कैमरा के चारों ओर एक ब्लैक बॉक्स दिया है जिसमें पोको का ब्रांडिंग है और यहाँ पे साइनी डिजाइन भी देखने को मिलता है। हाथों का निशान थोड़ा बहुत आ जाता है लेकिन आप बैक केस लगा के रखा करो, हाथों का निशान वगैरह उतना ज्यादा नहीं आएगा। और मेरे पास ये जो कलर है ना उतना ज्यादा हाथों का निशान नोटिस नहीं होता है। हाँ आप गौर से देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। फ्लैट एजेस के साथ ये फोन आता है, हाथ में पकड़ने में भी मजा आता है। 200 ग्राम के आसपास है दोस्तों, उतना ज्यादा हेवी फील नहीं देता। 3.5mm जैक का ऑप्शन है और यहाँ पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं है, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है। इस फोन में IR ब्लास्टर का ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है और काफी फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी ओपन करके देता है। डिजाइन को छोड़ के बिल्कुल सेम फोन है Redmi 12 5G। Redmi 12 5G में जो सारे स्पेसिफिकेशन है इस फोन में बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन है, बस डिजाइन थोड़ा सा अलग है। इस फोन में IP53 का रेटिंग है। बारिश का मौसम है, अगर पानी का छींटा वगैरह गिर जाए फोन टिक जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। 6.79 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया है। मैंने बहुत सारे कंटेंट वगैरह कंज्यूम किया था, एक्सपीरियंस मुझे बेटर मिला है। मैं YouTube में हाई रेजोल्यूशन में कंटेंट चेक कर रहा था, लैग टोटली नहीं था, स्मूथली एक्सपीरियंस आप लोगों को इस फोन में मिलेगा। ऊपर से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है, आप लोगों को कस्टम के ऊपर टैप करके 90 हर्ट्ज को इनेबल करना पड़ेगा। स्मूथ एक्सपीरियंस भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रोवाइड करेगा। 650 निट्स का ब्राइटनेस है। आउटडोर में मैंने जब चेक कर रहा था एवरेज है, जब कड़ी धूप गिर रहा है फोन के ऊपर तब थोड़ा सा यूज करने में दिक्कत हो सकता है। ऐसे भी इसके डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक फीडबैक लेना चाहता हूँ। आप लोग हर रोज जो मेरा वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ये फीडबैक देना कि हम लोग किस तरीके से हमारे कंटेंट को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को बेटर मिले, और मेनली कौन से जगह में गलतियां हो रहा है जहां पे सुधारने का जरूरत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा फीडबैक जरूर देना। आप लोग जिस तरीके से फीडबैक दोगे हम लोग उसी तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे वीडियो, ताकि आप लोगों को बेटर क्वालिटी के साथ साथ बेटर एक्सपीरियंस मिले। और हाँ, लगे हाथों लाइक दबा देना दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलो परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट देखने को मिलता है। इस फोन में मैंने अंतुतु बेंचमार्क को रन किया था, 4,24,000 इसका अंतुतु स्कोर आया है। देखिए दोस्त इस फोन में मैंने BGMI डाला था, स्मूथ एंड अल्ट्रा सेटिंग में आप लोग BGMI खेल पाओगे यानी कि 40 FPS करके, और मैं BGMI खेल रहा था इस फोन में। ज्यादातर ना पोको जाना जाता है थोड़ा सा गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो इस फोन में जब मैं गेमिंग कर रहा था एक्सपीरियंस मुझे एवरेज ही मिला है। 40 FPS करके खेल रहा था, कभी कभार थोड़ा सा FPS गिर जाता है, लगभग 30 FPS के आसपास आ जाता है, 27 FPS के आसपास कभी कभार आ जाता है, वरना नॉर्मली रहता है। और मैं सैनॉक मैप के बूट में उतर के भी टेस्ट किया था, वहां पे भी मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिला है। देखिए इसका जो प्राइस है 11,000 है, इस प्राइस में आप लोगों को ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना भी नहीं चाहिए। इस प्राइस में जिस तरीके से गेमिंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए इस फोन में आप लोगों को कुछ वैसे ही गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर आप लोगों को इस फोन के ऊपर डिटेल गेमिंग रिव्यू देखना हो ना, हमारे गेमिंग चैनल में जा सकते हो, वहां पे क्लियर करके बताया हूं ये फोन गेमिंग के लिए सही है कि नहीं। इस फोन में MIUI मिलता है और इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मुझे यही लगता है। देखिए MIUI में लैगिंग इशू है, ऊपर से बहुत सारे बेकार एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल इस फोन में है। हालांकि अच्छी बात वो है कि वो सारे एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, लेकिन मिलता तो है वो सारे एप्लीकेशन। ऊपर से पोको का हिस्ट्री में चेक कर रहा था, ट्विटर में जाके थोड़ा सा पोको में सर्च किया था, इतना सारा प्रॉब्लम है फोन के बारे में, मतलब इस फोन के बारे में नहीं ब्रांडिंग के बारे में। पोको के अंदर जो सारे फोन है सारे फोन के अंदर बहुत सारे भर के प्रॉब्लम है, मतलब जो सारे भाई लोग पोको का फोन खरीदता है बाद में जाके वही लोग पछताता है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे
घर के आसपास पोको का सर्विस सेंटर ओपन हुआ है और वहाँ पे पोको का जो मदर बोर्ड इशू है ना वो ज्यादा करके वहाँ पे फोकस किया जा रहा है मदर बोर्ड के ऊपर, क्योंकि पोको के हर एक फोन में मदर बोर्ड बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। तो अगर आप ये फोन खरीद रहे हो थोड़ा सा संभाल के खरीदा करो, क्योंकि पोको का जो मदर बोर्ड इशू है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, बहुत सारे फोन में ये प्रॉब्लम है। मेरा एक दोस्त पोको का फोन यूज करता है, उसका भी मदर बोर्ड इशू था, फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑन ऑफ हो रहा था। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम है पोको ब्रांडिंग के साथ जो मैं आप लोगों को बता दिया। बाकी MIUI के वजह से इस फोन में बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स भी है, जैसे कि गूगल डायलर नहीं है, कोई भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे, ऐप हाइड वगैरह दिया है और भी बहुत कुछ अमेजिंग फीचर्स है। हमारे फीचर्स चैनल में जाके इसका 50+ फीचर्स एक बार जरूर चेक कर लेना, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा इस फोन में क्या क्या फीचर्स है। नॉर्मल यूजर्स में एप्लीकेशन ओपन क्लोज में थोड़ा सा लैग जिटर वगैरह मुझे महसूस हुआ है, कभी कभार कुछ कुछ ऐप थोड़ा बहुत अटक भी जाता है इस फोन में। हमारे पास 4GB का रैम है, लेकिन इसको आप 4GB और भी बढ़ा सकते हो रैम प्लस में जाके, हालांकि वो बस दिखावा है, कुछ काम का नहीं है। इस फोन में 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है, इसका बैटरी सर्विस मेरे को काफी अच्छा लगा। अगर आप लोग नॉर्मल यूज करोगे आराम से एक दिन डेढ़ दिन निकाल के दे देगा, हेवी यूज भी करोगे तो स्क्रीन ऑन टाइम 7-8 घंटे तक भी दे देगा। ऑब्वियसली दोस्तों बैटरी बेटर है इस फोन का, ऊपर से 18W का चार्जिंग सपोर्ट है, आउट ऑफ बॉक्स 22.5W का चार्जर जो दिया है ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, क्यों दिया है मुझे पता नहीं, फोन सपोर्ट करता है 18W का, फुल चार्ज करने जाओगे टाइम लगेगा 2 घंटे के ऊपर। अब चलो थोड़ा कैमरा के बारे में बात करते हैं। बैक साइड में ड्यूअल कैमरा सेटअप है, 50MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का डेप्थ सेंसर, 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसका कैमरा क्वालिटी दोस्तों एवरेज है, मैंने बहुत सारे इमेजेस वगैरह क्लिक किया था, डायनामिक रेंज में एवरेज परफॉर्मेंस करता है, साथ ही में जो डिटेलिंग है वो भी एवरेज ही कहना चाहूंगा। इवन मैंने बहुत सारे फ्लावर का पिक्चर खींचा था चेक करने के लिए कलर कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कलर को बूस्ट करता है रेडमी। और भी बहुत सारे इमेजेस वगैरह क्लिक किया था, आप एक एक करके चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये सारे बैक कैमरा सैंपल आप लोगों को कैसा लग रहा है। यहाँ पे कलर टोन वगैरह मुझे ठीक ठाक लगा है, जो फेस का कलर टोन है वो ठीक ठाक लगा है, लेकिन यहाँ पे डिटेलिंग में थोड़ा सा मुझे कमियां लगा है। इवन प्रोटेट मोड में एज डिटेक्शन एवरेज है, सेल्फी कैमरा में भी डिसेंट पिक्चर खींचता है, मैंने बहुत सारे इमेजेस वगैरह क्लिक किया था। ब्यूटी मोड उतना ज्यादा इनेबल नहीं करता है, हालांकि ब्यूटी मोड को ऑफ कर पाओगे। प्रोटेट मोड में एज डिटेक्शन भी डिसेंट ही कहना चाहूंगा। बाकी इस फोन के रियर कैमरा से आप लोग फुल एचडी 30fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सेल्फी में भी सेम सेटिंग है। मैंने सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा से वीडियो फुटेज निकाला था, आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए 30fps करके फुल एचडी। नेटवर्क इशू नहीं है, कॉल क्वालिटी काफी अच्छा है, NFC का फीचर्स इस फोन में नहीं दिया गया है, आउट ऑफ बॉक्स इस फोन में एंड्रॉइड 13 मिलता है। अब चलो बात करते हैं क्या iPhone वैल्यू फॉर मनी फोन है। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं दोस्तों, मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूं कि मैं रिक्वायरमेंट करूं या ना करूं। हालांकि फोन काफी अच्छा है, Redmi 12 5G जैसा ही है, मैं Redmi 12 5G को रिक्वायरमेंट करता हूं, लेकिन पोको ना सुन के थोड़ा सा नाम पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री चेक किया था मैंने, मैं कई बार बोल रहा हूँ और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मदर बोर्ड इशू बहुत ज्यादा है। इस फोन के साथ तो नहीं, लेकिन पोको के हर एक ब्रांड के फोन के साथ है, तो इस फोन के साथ होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद एक कांट हो जाता है। तो अगर आप लोग ये फोन खरीद रहे हो अपने ही रिस्क में खरीदना दोस्तों, मैं रिक्वायरमेंट नहीं करता हूँ, मैं जानबूझ के मेरे ऑडियंस को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खरीद सकते हो, फोन अच्छा है, फोन में कुछ भी बुराई नहीं है, लेकिन ब्रांड का बुरा है थप्पा जो लग गया है इस फोन के ऊपर, थोड़ा सा संभाल के खरीदा करो अगर आप खरीद रहे हो, खुद के ही रिस्क में ये फोन खरीदा करो। बाकी अगर मुझसे पूछोगे मुझे अगर खरीदना होता तो मैं खरीदता कि नहीं, मैं तो पीछे आ जाता दोस्त, मैं इसके जगह में Redmi 12 5G ही खरीद लेता। पोको क्या ही बताऊं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी कर देना आपके फ्रेंड के साथ। मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।